Namaste everyone, welcome back to the channel. So going to discuss in today's video about the net syllabus of commerce subject, and there are basically two paper, paper 1 and paper 2. So paper 1 is common for all having teaching aptitude and research aptitude. We are going to talk about paper number 2, that is related to commerce, code number is 8. Okay, so there are basically 10 units, or we can say these are the 10 subjects ki tarah hi hai ye. Unit first is related to business environment and international business, then accounting and auditing, then business economics, then business finance, then business stats and research methods. So these three units tells us about the detail of economic subjects, then business management and HRM, then banking and financial institutions, marketing management, legal aspects of business, and last one is income tax and corporate planning. So business environment आपने अपने ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कहीं कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आता है और ग्रेजुएशन दोनों जगह भी आ जाता है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स करने हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसके सब टॉपिक्स भी आपको गिवन है. देन ग्लोबलाइजेशन हो गया एंड मोड्स ऑफ एंट्री इंटू इंटरनेशनल बिजनेस, देन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको करना होगा. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो नोट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, नोट्स आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे. देन FDI, FPI एंड इंडिया की FDI पॉलिसी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके इम्पॉर्टेंस एंड इसके कंपोनेंट्स, देन आपको ये करने होंगे. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाइक यूरोपियन यूनियन, आशियान, सार्क, नाफ्टा, एंड देखिए इसको नाफ्टा मैं बोलती हूँ, मे बी इसका प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो. देन IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD, देन वट इज़ WTO एंड GATS, TRIPS एंड TRIMS. इस सब का आपको डिटेल के अंदर एक ना जो बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो बुक होती है उसके थ्रू आप कवर कर सकते हैं, नहीं है तो आप नोट्स के थ्रू कवर इस यूनिट को कर सकते हैं. देन सेकेंड यूनिट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. क्लास 12th के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड भी कर रही हूँ. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, लाइक ये जो फर्स्ट 2 हैं और ये यहाँ तक रीशो ऑफ शेयर्स तक, ये आपका क्लास 12th के अंदर से हो जाता है, एडमिशन रिटायरमेंट. अदरवाइज आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होगी ग्रेजुएशन में, उसके टॉपिक्स हैं ये, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू. देन ये जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है ये आपको मिलेगा कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी कि ग्रेजुएशन में, होल्डिंग कंपनी, तो ये दोनों हो गए आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग. देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपका मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेक इवन, स्टैंडर्ड एनाल कॉस्टिंग, प्रोसेस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, JIT, ये सब आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आपको मिलेगा, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, ये अगेन आपका क्लास 12th के अंदर भी टॉपिक है, ये हम अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड करेंगे. ह्यूमन रिसोर्स में आपको करना होगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंट अकाउंटिंग, देन आपके स्टैंडर्ड्स हो गए एंड आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए. देन आपका है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के अंदर वाउचिंग हो गया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया. देन ऑडिटिंग के अंदर अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, अलग अलग बुक्स आपको इसके लिए कवर करनी होंगी, जैसे कि इसके लिए आपको करना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ आपको करना होगा कॉरपोरेट अकाउंटिंग, देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन ये अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, देन ये हो गया आपका HR का टॉपिक हो गया, देन ये आपका ऑडिटिंग के टॉपिक्स हो गए. क्लियर? देन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, लॉ ऑफ डिमांड, ये क्लास 12th का टॉपिक है, ये भी क्लास 12th का टॉपिक है, ये भी क्लास 12th का टॉपिक है, ये आप क्लास 12th के टॉपिक से कर सकते हैं. टॉपिक्स करिए एंड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा रहेगा. कॉस्ट आपको क्लास 12th के टॉपिक से मिल जाएगी, ये सभी टॉपिक्स आपको क्लास 12th से मिल जाएंगे. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आपको थोड़ा ग्रेजुएशन वाला पढ़ना होगा, अदरवाइज ये बाकी सब टॉपिक्स आपको कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, सब कुछ आपको क्लास 12th का टॉपिक से मिल जाएंगे. ओके, देन देखिए बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस आपको टोटली ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ये आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो ये तो आपको उसी से करना होगा. जाए लाइक लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, देन व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, रिस्क एंड रिटर्न क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड ये यूरो करेंसीज क्या हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या है, ये सब आप
आपकी बुक हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, बुक नहीं है, देन वी हैव द नोट्स, आप नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वी विल प्रोवाइड यू द लिंक दैट हाउ यू कैन गेट द नोट्स। देन बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स के अंदर ये आपको क्लास 12th के अंदर मिल जाएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिप्रेशन। स्क्यूनेस नहीं मिलेगा, कोरिलेशन मिल जाएगा, रिग्रेशन नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ पे भी आपने पढ़ा है वहाँ से मिल जाएंगे। डाटा आपको क्लास 12 से मिल जाएगा, सैम्पलिंग आपको क्लास 12 से, प्रोबेबिलिटी मेथड्स, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कुछ मिलेंगे, ये सब नहीं मिलेगा। ये सभी टेस्ट जो हैं, रैंक कोरिलेशन टेस्ट मिल जाएगा क्लास 12 से, बाकी सभी टेस्ट ये आपको अलग से ही बुक से करने होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होगा, ये आपका थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादातर थियोरेटिकल है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस स्टडीज से आपका हो जाएगा। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये आपको बुक से कवर करने होंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप बैंक से रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू बैंक्स क्लास 12th में मिल जाएगा, RBI मिल जाएगा, ये नॉर्म्स मिल जाएंगे आपको, फाइनेंशियल मार्केट्स मिल जाएंगी, बिजनेस स्टडीज में भी मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंटरनेट बैंकिंग, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ये सब आपको करना होगा। देन यूनिट 8th इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको अगेन ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट डिसीजंस, मार्केटिंग, सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्रोमोशन ये इजी भी पड़ेगा आपको, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग ट्रेंड, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से करने होंगे। लीगल एस्पेक्ट्स टोटली आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट रहेगा, इसके लिए अगेन वी हैव द नोट्स, नोट्स हमारे पास पूरे अवेलेबल हैं, आपको पूरे 10 यूनिट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास एंड नोट्स भी अवेलेबल हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज देम तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, वी विल प्रोवाइड यू। एंड जितना हम आपको फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं नोट्स या फिर जो भी आपके वीडियोस वगैरह हो गए वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन कम्स लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका आएगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा आपका, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉम्पिटिशन एक्ट, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देन RTI एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड GST। GST आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल जाता है एंड अकाउंट्स के अंदर भी मिल जाता है। लास्ट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका टोटली ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड देन आपका आएगा कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सभी आप को इसी के अंदर मिलेंगे, एंड डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। बट इतना डिटेल में ये टैक्स नहीं करना जितना कि बुक के अंदर होता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना, थ्योरेटिकल आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो ये आपका UGC नेट का सिलेबस है, काफ़ी जल्दी मैंने आपको बताने की कोशिश की है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी हो गया होगा, काफ़ी जो होंगे वो दिसंबर का अटेम्प्ट देंगे, अब देखते हैं फॉर्म्स दिसंबर के लिए आते हैं या उसके बाद के लिए आते हैं। एंड नेट क्लियर होने के बाद ऑब्वियसली आपको एलिजिबल हो जाते हो आप प्रोफेसर बनने के लिए, बट अगर आपका GRF क्लियर हो जाता है तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है अराउंड 37,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, एंड देन आई थिंक इट इज़ इंक्रीजेस टू 42,000 पर मंथ, तो जिसके अंदर आप PhD बड़े इजीली कर सकते हो। तो आप ये नोट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। आई विल ऑल्सो अपलोड सम वीडियोज़ ऑन माई चैनल एंड विच विल बी अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उनसे भी हेल्प मिलेगी। हाँ, आप एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एंड थ्योरी प्रैक्टिस करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।